أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बी ए साइकियोलॉजी गैस पेपर पार्ट टू के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और मेरी आवाज़ पर फोकस करना है, क्योंकि मैं रिटर्न फॉर्म में इस वीडियो में नहीं दिखा रहा। इसकी वजह यह है कि आपका जो सा पेपर है वो कल है और टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले आपको ऑडियो की सूरत में आज गैस पेपर दिखा देते हैं। तो काइंडली आपने आवाज़ पर लाजमी फोकस करना है, एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार सुनिएगा, दूसरी बार ना आए तो तीसरी बार सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सवाल है, नफ्सियात से क्या मुराद है, इसकी मुश्किलात कौन कौन सी हैं, इन पर नोट लिखें। नफ्सियाती आजमाइशों से क्या मुराद है, सेकेंड सवाल है जी। नेक्स्ट है जी, तिबी और गैर तिबी तसव्वुरात में फ़र्क लिखें। ये आपसे तिबी और तिबी तसव्वुरात पर नोट लिखें, इस तरह भी पूछ सकता है, गैर तिबी तसव्वुरात पर भी नोट लिखें, इस तरह भी पूछ सकता है। ये तीन सवाल, खबत अमेस अजबारी या अजियारी में अजबारी पर नोट लिखें जी। चौथा सवाल, नेक्स्ट है जी, पांचवा सवाल, इस्लामी थेरापी पर नोट लिखें जी। नफ्सियाती तरीका इलाज में तहलीली नफ्सी पर नफ्स पर नोट लिखें जी, उसकी खसूसियात आपने बयान करनी है तहलीली नफ्स पर। रॉजर्स के मोकल का तरीका नफ्सियात पर नोट, उसके मुताबिक तरीका नफ्सियात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, मशावरत से क्या मुराद है, इसकी इकसाम और अनासर पर नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। रहनुमाई से क्या मुराद है, इसकी अहम खसूसियात यानी असूल और मकासद, ठीक है, यानी खसूसियात मकासद में आ जाता है, यह इस तरह भी पूछ सकता है। ग्रो से क्या मुराद है, इसकी इकसाम पर नोट लिखें, इसकी तमाम इकसाम तैयार करनी है आपने। रवैया की तरीफ लिखें, माहियत पर नोट लिखें जी, माहियत की तरीफ लिखें और ये किन सूरतों पर माहियत मुमकिन है, उन सूरतों पर नोट लिखना है जी आपके। नेक्स्ट है जी, आपने मदरजा ज़िला पर नोट लिखना है जी, हंसी दिलहीज पर नोट लिखें। नेक्स्ट है जी, साइकोफिजिक्स पर नोट लिखें, ज़राए अबलाग और इसके अनासर पर नोट लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तंजीमी और संदी नफ्सियात पर नोट लिखें, अबलाग और अनासर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल अच्छे तरीके से तैयार करना है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको गैस पेपर अच्छे लगे और आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ यार कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, 4th ईयर के गेस्ट पेपर है, तो काइंडली मैं आपको एक अहम मशवरा देता चलूँ, आप लोग MA इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करें, साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर आप लोग कोई भी कोर्स कर लें या फिर अपना कारोबार भी कर सकते हैं, तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MA इंग्लिश करें, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, और इसके अहम बात मैं बताता चलूँ इसकी कि MA इंग्लिश में सिर्फ आपको 50 सवाल ऑल बुक्स की बुक्स के करवाऊंगा और PDF नोट्स की सूरत में आपको रिटर्न फॉर्म में ऑडियो वीडियो लेक्चर की सूरत में फ्री में ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी रब्ता कीजिएगा, क्लासेस की फ़ीस बहुत ही नॉर्मल है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो लाजमी रब्ता कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, अगर आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए किसी भी क्लास का तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।